आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह, आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि क्या एमसीडी एग्जाम है, जो एमसीडी पीआरटी एग्जाम है, वो कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने पोल कराया था, ऑनलाइन वोट कराई थी। तो उस वोट का जो रिजल्ट आया है वो अनएक्सपेक्टेड आया है। जैसे 30 वाला एग्जाम था, अनएक्सपेक्टेड था, तो उसी तरह जो पोल का रिजल्ट आया वो अनएक्सपेक्टेड आया है। शायद आप भी देख के चौंक जाएंगे कि ऐसा क्या हुआ है। तो गाइस, जैसा कि मैं सोच रहा था कि कुछ ही परसेंट बंदे होंगे, कुछ ही परसेंट कैंडिडेट्स होंगे जो चाहेंगे कि एमसीडी पीआरटी जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होना चाहिए, लेकिन आप यकीन नहीं कर सकते कि जो कैंसिल करवाने वालों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कितनी संख्या है। आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है यहाँ पे, अभी आप देखें। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन डाला था कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसमें 57% जो कैंडिडेट्स हैं वो बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, और 42% बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि जो 57% हैं वो बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग डीएसएसबी को क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, तो आप अपने कमेंट जरूर दें, और आने वाली वीडियो में जो 5 बेस्ट कमेंट होंगे वो पढ़ के बताए जाएंगे, जिनमें लगेगा कि आप एक अच्छा सॉल्यूशन बता रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे इंग्लिश, जीके, साइको की एक अच्छी क्लास चली हुई है। तो गाइस, थैंक यू, टेक केयर।